इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के इंडेक्स ग्रुप के बारे में जानेंगे कि इंडेक्स ग्रुप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। ये हमारे पास कोई भी बुक या मैगजीन है तो उसके लास्ट में एक इंडेक्स बना होता है जिसमें ये दिया होता है कि हमारे जो मेन टॉपिक हैं ये कितने नंबर पेज पर हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम उस टॉपिक पर जिसे हमें जानना है पेज नंबर देकर हम उस टॉपिक पर जा सकते हैं, इसलिए हम इंडेक्स को तैयार करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स को तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड लिखेंगे हम। यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड मैंने 20 यहाँ पे पैराग्राफ बनाइए, यह हमारे पास डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा। इसके स्टार्टिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये वीडियो इसका हमने इंडेक्स बनाना है। ये तो ये वीडियो जो है यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे मार्क एंट्री के ऊपर जाएंगे। ये यहाँ पे जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा, इसमें जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है मेन एंट्री में वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने वीडियो सिलेक्ट किया, ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये हमारी सब एंट्री है। ये यहाँ पे हम वीडियो की सब एंट्री बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे वीडियो यहाँ पे लिखा, अपने चैनल का नाम लिखा, ये बायस ज्ञान टेक, बायस ज्ञान टेक यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा। ये लिखने के बाद इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं हम, ये बोल्ड पे क्लिक किया। इटैलिक करना है तो इटैलिक भी हम कर सकते हैं। ये इसके बाद यहाँ पे नीचे है मार्क, मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एक ही मार्क होगा ये। इसके बाद ये सेकंड है मार्क ऑल, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी ये वीडियो लिखे हुए हैं ये सारे मार्क हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही इसको लेंगे। ये लेने के बाद यहाँ पे हमने मार्क एक ही लिया, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे ये मार्क हो जाएगा। ये अब अगला लेते हैं, ये यहाँ पे अगला हमने यहाँ पे ये लिया डॉक्यूमेंट। ये देखो डॉक्यूमेंट को क्या करना है, हमने ये सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मेन एंट्री में अभी तक वीडियो है यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये देखो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर हमने इसकी सब एंट्री बनानी है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। और इसको भी हम ये बोल्ड या इटैलिक करना है तो कर सकते हैं, ये बोल्ड रखा इसको भी और मार्क किया। मार्क करने के बाद हम अगला ये कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे थीम ये लिया मैंने, यहाँ पे कर्सर रखा और इसको सिलेक्ट किया ये थीम। थीम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, मेन एंट्री पे क्लिक करना है। ये देखो थीम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये मार्क थीम, अगर हम चाहते हैं कि कितने किस किस पेज के ऊपर है तो हम ये सेकेंड टैब ही इसको सिलेक्ट करते हैं हम, मार्क और यहाँ पे क्लिक किया। ये करने के बाद अगला हम ये ले लेते हैं, ये जैसे दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखो हमारा ये दूसरा पेज है, ये यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं ये। तो यहाँ पे हमने इसको रीडिंग को सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मेन एंट्री पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा। ये इसके बाद इसको भी मार्क किया, ये भी मार्क हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया ये। इसके बाद अगला है हम यहाँ पे लुक, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे लुक आ जाएगा। ये तो ये हमारा हो गया। इसके बाद इसको भी मार्क कर देंगे ये। इसके बाद अगला ये हम चूज़ करते हैं, ये जैसे यहाँ पे न्यू इसको भी सिलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे रखा हमने कर्सर और न्यू को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे क्लिक किया, न्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी मार्क किया ये। इसके बाद ये हमारा अगला पेज यहाँ पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे आने के बाद हम ये यहाँ से भी ये जैसे देखो यहाँ पे हमने इसको बटन्स
यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क पे क्लिक करेंगे। मार्क पे क्लिक करने पर अगर हम चाहते हैं कि और भी यहाँ पे एंट्री करनी है, जैसे यहाँ पे कुछ और भी ले लेते हैं ये, जैसे यहाँ पे ये देखो, हम यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मेन एंट्री पे क्लिक करेंगे, स्टॉप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसको भी मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद हम ये जो डायलॉग बॉक्स है हमारा, ये इसको क्लोज कर देंगे। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। ये क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड कमांड के ऊपर जाएंगे, इंसर्ट इंडेक्स यहाँ पे जाएंगे। ये देखो इंसर्ट इंडेक्स पे जाने के बाद हमारे पास ये इंसर्ट इंडेक्स का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ये बताता है कि कौन सा हमने स्टाइल लिया हुआ है। ये तो ये हमारा स्टाइल है। अगर इस स्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना हुआ है फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे अगर हम और स्टाइल लाना चाहते हैं, जैसे ये हमारे पास सेकंड है क्लासिक, ये देखो ये क्लासिक में आ जाएगा ये। या और कोई स्टाइल यहाँ पे लाना है ये, जैसे फैंसी, ये फैंसी में आ जाएगा ये। तो या और कोई यहाँ पे ये सभी स्टाइल हैं, ये स्टाइल में आ जाएगा ये मॉडर्न। तो अगला स्टाइल हमारे पास ये है। अगर हम इसी को ये फैंसी इसमें लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास इस स्टाइल में आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि राइट अलाइन पेज नंबर यहाँ पे करना है तो ये देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे चेक किया तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ऐसा करना है तो ऐसा करने के बाद अगले यहाँ पे हम जाते हैं, ये देखो कॉलम्स लिखा हुआ, ये जो हमने ये इंडेक्स बनाए हुआ है, दो कॉलम में चाहिए या तीन कॉलम में चाहिए, ये देखो जितने कॉलम में चाहिए उतने पे हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ये। और यहाँ पे कम चाहिए तो तीन, दो या एक, जो भी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे दो कॉलम में चाहिए, यहाँ पे कॉलम मैंने सेलेक्ट किए दो। और इसके बाद क्या करेंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये इंडेक्स हमारे पास बन के आ जाएगा। तो ये इंडेक्स आ जाएगा। इस इंडेक्स में ये जो सिंबल है इसको हटाने के लिए, ये देखो ये बी बी, ये जो बना हुआ है ये सिंबल शो एंड हाइड, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम होम टैब के ऊपर जाएंगे। ये देखो होम टैब है ये हमारा, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे शो एंड हाइड पे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखो यहाँ से हट जाएंगे, ये शो एंड हाइड का सिंबल यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद ये देखो, ये जो हमारा जितने भी ये अल्फाबेटिकली आए हुए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये जितना भी हम यहाँ पे काम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ये देखो जैसे बी डी, यहाँ पे इससे ए नहीं है तो ए नहीं आएगा, ये बी, जैसे यहाँ पे बटन्स, यहाँ पे पहले इसने लिया ये डी डॉक्यूमेंट लिया, डी के बाद एल, एल के बाद एन, इसके बाद यहाँ से देखो आर एस टी, इसके बाद ये देखो बी। तो बी में जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक एक ये बी बटन्स एक ही सिलेक्ट किया था, ये डी डॉक्यूमेंट ये भी एक ही, ये कितने बटन्स कितने पेज पे है, ये थर्ड पेज के ऊपर है, ये देखो बटन्स ये हमारे तीसरे पेज के ऊपर है, ये डॉक्यूमेंट्स ये एक ही पेज के ऊपर है, एक ही हमने सेलेक्ट किया था ये डॉक्यूमेंट। अगर मार्क ऑल पे क्लिक किया होता तो डॉक्यूमेंट जितने जितने पेज पे लिखा हुआ है ये सभी पेज यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक ही पेज है ये। तो इसके बाद ये देखो लुक, ये एल यहाँ से लुक, ये दूसरे पेज पे है, ये न्यू ये दूसरे पेज पे है, ये भी ये आर से रिलेटेड रीडिंग है ये दूसरे पेज पे है, ये एस से रिलेटेड स्टॉप है ये तीसरे पेज पे है, ये देखो टी थीम, थीम इसमें क्या किया था मैंने, मार्क ऑल पे क्लिक किया था, तो ये देखो थीम कितने पेज के ऊपर है, ये थीम हमारा पहले पेज के ऊपर और दूसरे पेज के ऊपर है, ये तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे पेज आ गई है। अब मैंने वीडियो लिया था, सबसे पहले वीडियो लिया था, तो वीडियो का ये देखो वीडियो आ गया है, ये पेज नंबर फर्स्ट पे है, और इसकी जो सब हेडिंग बनाई थी मैंने
ये देखो YS ज्ञान टेक, ये भी इसी पेज के ऊपर। तो इस प्रकार ये हमारा इंडेक्स बनके तैयार हो गया। ये अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे ये देखो रेफरेंस टैब है, ये हमारा जो अगला ऑप्शन है ये अपडेट इंडेक्स। अगर इसको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ भी, जैसे ये लेआउट, लेआउट हमने क्या करना है, ये सिलेक्ट किया है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद हम ये चाहते हैं कि लेआउट ये भी हमारे इंडेक्स में आ जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो लेआउट को सिलेक्ट किया, फिर मार्क एंट्री पे गए, यहाँ पे लेआउट आ जाएगा। ये लेआउट आने के बाद इसको भी बोल्ड किया और मार्क किया, ये देखो मार्क, और इस डायलॉग बॉक्स को हमने फिर क्लोज कर दिया। ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, यह जो शो एंड हाइड का सिंबल है इसको हटाने के लिए हम होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। ये हटने के बाद क्या होगा, ये अभी तक ये हमारी लिस्ट में यहाँ पे नहीं है ये लेआउट, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस टैब के ऊपर जाएंगे। रेफरेंस टैब के ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक करते ही हमारे पास अपडेट इंडेक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो क्लिक किया, अब क्या है, ये देखो हमारे पास ये लेआउट बन के आ जाएगा। ये जो हमने लेआउट सेलेक्ट किया है ये तीसरे पेज के ऊपर है। ये तो पहले हमारे पास ये एक ही था, ये लुक दूसरे पेज पे था, ये अब लेआउट को हमने अपडेट किया, ये तीसरे पेज के ऊपर है। ये तो इस प्रकार हम इस इंडेक्स को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंडेक्स ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।